हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और खुश होंगे। तो क्योंकि सर आज की साली वीडियो के अंदर मैं आपको आपके ऑटोडेस्क एप्लीकेशन को यूज़ करके आपको जिस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाले हैं। यानी कि बेसिकली आज जो पूरा का पूरा हमारा काम है हेयर्स के ऊपर प्लस स्किन स्मूथनिंग के ऊपर होने वाला है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और चलिए तो मैं आपको सिखा दूँगी कि इस टाइप से आप इसका माल एडिटिंग को कर सकते हो। तो चलो वही जाना, यहाँ पर सबसे पहले ऑटोडेस्क ऐप यानी कि स्केच बुक ऐप में यहाँ पर आपको अपना वो वाला इमेज ओपन कर देना होगा जिसको भी आप एडिट करना चाहते हो। अगर आपके पास ऑटोडेस्क यानी कि स्केच बुक ऐप नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, इसको ओपन कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहाँ पर ब्रशेस में जाना होगा। ब्रशेस में जाने के बाद इस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, ये वाला मेजर जो आप देख पा रहे हो। इसमें आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ब्रशेस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, आपको स्मग में आ जाना होगा। और स्मग में आ जाने के बाद ये जो सेकंड लाइन में हमारी सेकंड वाली ब्रश है ना, ये वाली ब्रश, तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना होगा। और इसकी जो सेटिंग है यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो साइज अपने हिसाब से जो भी चाहो वो आप कर देनी होगी। जैसे कि मैं आप देख सकते हो साइज जो भी चाहो आप अपने हिसाब से, भाई साइज का कुछ भी नहीं चक्कर होता, आप कोई भी साइज चाहो कितनी भी चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। इसकी जो फ्लो है यहाँ पर आपको 5% रख देनी हुई, ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5% मेरी हुई पड़ी, सॉरी ये कट गया, 5% हुई पड़ी है। उसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर आपको 8% तक रख देनी होगी। ठीक है, इतना करने पर नीचे कट में क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है बेक आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद अभी आपको स्टेप से अपनी स्किन पर जूम इन कर देना होगा। जूम इन कर देने बाद स्टेप से इसको ड्रॉ कर देना होगा। जैसे आप ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये जो है थोड़े थोड़े से यानी कि ये जाना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ये स्मूथ स्किन होना स्टार्ट हो गई है बेसिकली। तो स्टेप से आपको फुल अपना फोकस से कर देना होगा। और द मेन बात के अपने फेस को यार ज्यादा टाइम दो, समझ रहे हो, ज्यादा टाइम का मतलब कि अच्छी तरीके से करो। ऐसा मतलब नहीं कि भाई यहाँ पर करो एकदम खतरनाक, मतलब सिंगिस के ऐसे करो कि यार थोड़ा बहुत टाइम भले ही लग जाए बट सिंगिस के बहुत ज्यादा अच्छी एडिटिंग हो जाए हो पाए यार। तो क्योंकि यार मैं जो है अपने फेस पर स्किन पर स्मूथ करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता हूँ, ऑलमोस्ट भाई आधा घंटा भी कभी तो कभी लग जाता है। क्योंकि यार पूरा काम ही ये स्किन स्मूथनिंग के ऊपर है ना। अगर आपको पसंद आएगी तो आप देखोगे वीडियो को देखोगे, और वीडियो को देखोगे तो फिर यार फायदा है अपना भी। तो इसीलिए कहता हूँ यार वीडियो को देखने के लिए फायदा नहीं है, आपको सिखाने का मेरा फायदा है। क्योंकि यार इलम बांटने से बढ़ता है दोस्त। तो इस टाइप से अभी आप देखते हो स्किन पर मैंने पूरा का पूरा कर दिया, और अभी आप यहाँ पर इसका वो देख पा रहे हो यानी कि हेड देख पा रहे हो, सर देख पा रहे हो, इसका ऊपर से एकदम खतरनाक एकदम से भाई स्किन स्मूथ हो गई है यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो इस टाइप से ऑलमोस्ट आपको यानी कि ये नहीं कहूँगा कि आधा घंटा दो, बट जैसे इसके ज़्यादा टाइम दो अपने फेस को। तो मुझको देना 1 सेकंड, यानी कि थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट करने वाला हूँ ताकि आपको यार ये ऐसा ही तो करता रहा तो फिर टाइम लग जाएगा। मुझको देना 1 सेकंड, तब तक मैं पूरी की पूरी इसकी स्किन स्मूथनिंग कर यानी कि स्मूथ कर मिलता हूँ आपको यही। तो चलो गाइस यार अभी आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी इसकी मैंने स्मूथ इसकी मतलब कि इसकी स्किन स्मूथ मैंने कर दिया हूँ। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, अगेन आपको कुछ नहीं करना। अभी आपको इसे जो है लेयर वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने पर बेसिकली मैं जो है इसके ग्लासेस का कलर यहाँ पर चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक इस प्लस वाले आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करके तो यहाँ पर आपको एक शेप देखने को मिल जाएगा, सर्कल यानी कि वो सर्कल ना स्क्वायर देखने को मिल जाएगा व्हाइट कलर में। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सर्कल में जो ये कलर्स बना हुआ है इसमें आपको सिंपल यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने पर जो आपको अपने ग्लासेस का कलर रखना है सिंपल यहाँ पर आपको वो कलर सेट करना होता, मतलब के सेट कर देना होगा। तो मुझको रखना है थोड़ा बहुत ये होना चाहिए अपना रखना हूँ ये होना चाहिए अपना थोड़ा सा होना चाहिए ब्लू होना चाहिए, मतलब डार्क ब्लू, समझ रहे हो। तो फिर इतना करने के बाद सेट कर देने के बाद अभी आपको कट में क्लिक कर देना होगा, फिर इस टाइप से जूम इन कर देना होगा, सॉरी अभी आपको इसे अगेन इसमें क्लिक कर देना होगा, ब्रश इसमें क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद आपको ये वाला सिमक वाला ब्रश नहीं सिलेक्ट करना है इसमें, इसके लिए आपको ब्रश ही अलग सेलेक्ट कर देना होगा। वो है हमारा आर्टिस्ट में आपको ये वाला फाइव नंबर पर आपको जो ब्रश देखने को मिल जाता है आर्टिस्ट में, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर देना होगा। और सेटिंग में आपको आ जाना होगा, सेटिंग में ओपेसिटी को 100 होगा, साइज अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देने की, जितनी आपको अच्छी लग रही है उतनी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको कट वाला आइकन क्लिक करके यहां पर आपको जो है बिल्कुल सही बेक आ जाना होगा। फिर इस टाइप से जूम इन कर देना होगा अपने ग्लासेस पर, और इस टाइप से अपना कलर ये यानी कि कलर देना होगा जैसे कि भी आप देख सकते हो। अब आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो हो जाएगा एकदम कलर सा, यार लगेगा कि हाँ यार कलर है, बट द थिंग इज के रुको जरा यार, इसका पूरा का पूरा सेटिंग होगी, ऐसे ही नहीं कि भाई ये कर दिया और ये हो गया बस ग्लासेस का कलर, ऐसे नहीं यार, इसकी पूरी की पूरी सेटिंग होगी। तो मुझको देना सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड को, मैं पूरा का पूरा इसको कर मिलता हूँ आपको यहीं पर 1 मिनट के। This is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not
तो चलो गाइस यार, अभी आप देख सकते हो इसके ग्लासेस पर मैंने कर लिया हूं, तो द थिंग इसके ये नहीं कलर भाई, इसका और ज्यादा अच्छा सा होने वाले हैं। तो करने के लिए अभी आप उस लेयर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आप ये देख पा रहे हो जिसमें शेप हमने क्रिएट करा था उस पर ग्लासेस पर जैसे हमने कलर कराया वैसे ही एकदम शेप बनकर आ गए। तो सिंपल इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लीडिंग में नॉर्मल करके आइकन देखने को मिल जाता है ये वाला, तो सिंपल इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर वाले को सेट कर देना होगा, ये वाला कलर वाला, ठीक है। फिर आपको कट में क्लिक कर देना होगा, देंगे यहाँ पर आपको बेक आ जाना होगा। तभी आप देख सकते हो आपकी ग्लासेस का कलर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। तो चेंज करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं जो इस पर एक हेयर की PNG ऐड करने वाला हूँ वो जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐड करने के लिए भी आपको ये जो देख पा रहे हो इसमें स्केल एक बनी हुई है, इसमें आपको सिंपल क्लिक कर देना होगा। तो इनके जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक देखने को मिल जाएगा इम्पोर्ट इमेज करके, तो सिंपल इसमें आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद सिंपल ये वाला गैलरी में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। देंगे जहाँ से गैलरी से अपनी वो वाली हेयर PNG सेलेक्ट कर देनी होगी जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड जो है बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से कर सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर ये वाली PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको तो खैर अभी दिख रही होगी, ठीक है। तो लगाने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है अभी आपको सबसे पहले अपने फोटो को कुछ स्टेप यार फोटो को जूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा ही इस पर लगा देनी होगी, अपने एडजस्ट करके एकदम खतरनाक तरीके से ऐसे करके एकदम भाई खतरनाक लगनी चाहिए कि यार इस पर लगी हुई है ऐसे ऐसे करके PNG लगनी चाहिए। कलर का कोई नहीं, कलर हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो येलो मुझको देना एक सेकंड, मैं पूरा का पूरा इस पर सही तरीके से सेट कर मिलता हूँ आपको। तो चलो गाइस यार, अभी आप देख सकते हो पूरी की पूरी PNG मैंने सही तरीके से इसको मतलब के सेट कर लिया हूँ। तो अभी आपको चाहो तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पर रख सकते हो, येलो तो इस टाइप से आप देख रहे हो भाई बहुत ही ज़रा अच्छी सी एकदम लग रही है। बट द थिंग इसके ऊपर के जे भाई बाल थोड़े तो ढक रहे हैं यहाँ पर से, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है आपको राइट में आपको ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको सिंपल इस लेयर में क्लिक कर देना होगा। देंगे इसमें आपको यहाँ पर PNG आप देख पा रहे हो, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। देंगे जब भी आपको कुछ नहीं करना, इसका जो कलर है अपने हेयर के साथ मैच नहीं हो रहा, इसलिए आपको इस कलर बैलेंस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे जिस टाइप से आप अपने हेयर के कलर से इसको आपको इसके हेल्प से कलर स्केल्स की हेल्प से कलर आपको इसका मैच कर देना होगा। जिसका आप जैसे आपका हेयर्स का कलर है उसी टाइप से इसका आपको मैच करवाना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैच हो चुका है, तो अभी आपको ऊपर डन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद हेयर की PNG तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं और एकदम खतरनाक भी लग रही है। तो मैं जो अभी इस पर हेयर पर थोड़े बहुत यहाँ पर कट लगाने वाला हूँ अपने, तो यार ये कहाँ से आ गई, तो मतलब कि कट लगाने वाला हूँ। तो लगाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा, यानी कि ब्रश इस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे यहाँ पर लाइब्रेरी में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है आपको सिमग में जो है आपको ये आप ब्रश देख पा रहे हो जो सेकंड लाइन में आपको पहले नंबर पर देखने को मिल जाती है, इसको आपको सिलेक्ट कर देना होगा। देंगे सेटिंग पर आपको आ जाना होगा, सेकंड साइज आप अपने हिसाब से जो भी चाहो आप रख सकते हो। देंगे फ्लो की बात है तो फ्लो यहाँ पर आपको 21 यानी कि 21% रख देनी होगी। देंगे जिसकी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर आपको 11 यानी कि 11% सिंपल आपको रख देनी होगी। फिर आपको यहाँ पर कट में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप से जूम इन कर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, हाँ सिंपल है, अभी आपको ऊपर ये आप देख पा रहे हो ये वाला जो कट वाला यानी कि जिसमें क्लिक कर हमने इमेज सेलेक्ट करते इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक गाइड्स करके आइकन देखने को मिल जाता है, सिंपल इसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपल ये जो आप देख पा रहे हो ना एक स्किल बनी हुई है ट्रेनी सी, तो इसको आपको यहाँ पर अपने हेयर के हिसाब से इसको आपको सेट कर देना होगा। जहाँ से आप अपने हेयर पर कट लगाना चाहते हो वहाँ पर ओनली आपको इसको सेट कर देना होगा कुछ इस टाइप से। मानता हूँ थोड़ा बहुत हार्ड नहीं होगा यार वैसे, तो इस टाइप से बस आपको इसको सेट ही तो करना है यार, इसमें हार्ड की क्या बात क्या है दोस्त। इस टाइप से आपको पूरी तरीके से आपको जो PNG है यानी कि PNG लगाई थी जो उसके एकदम नीचे ही इसको फिट कर देना होगा अपने हिसाब से, जो भी आप चाहो कर सकते हो। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से हम नीचे कर लेते हैं, तो इस टाइप से आपको भी यहाँ पर आपको जो है जस्ट इसको कर देना होगा। तो थोड़ी सी हम इसको पूरी की पूरी स्केल को ही हम नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर एकदम खतरनाक सी लग रही है ना, तो यहाँ पर पीछे वाले पार्ट को मतलब कि इस टाइप से आपको एडजस्ट यार करना ही पड़ेगा। देखो तो अभी आप पूछ नहीं करना, सिंपल है यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम इन कर देना होगा अपनी स्किन को, यहाँ पर पूरा का मतलब स्किन को कह रहा हूँ अपने फोटो को। तो इस टाइप से आपको करने के बाद आपको इस टाइप से यहाँ पर आपको अब आप देख रहे हो ये कट नहीं लग रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ कट नहीं लग रहा क्योंकि हमारा इमेज सेलेक्ट ना हुआ पड़ा था। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर लेयर में क्लिक कर देना होगा। देंगे यहाँ पर PNG सेलेक्ट हुई पड़ी है, तो यहाँ पर आपको अपना इमेज को सेलेक्ट कर देना होगा। अभी आपको लेयर वाले आइकन में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। देंगे जब भी आप जैसे ही अपने ब्रश को कुछ स्टेप से करोगे तो यहाँ पर आपका कट लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप से आपको भी अपने हेयर पर यहाँ पर आपको कट लगा देना होगा और ये बहुत ही ज़्यादा यार नेचर कट लगता है एक टाइप से, यानी कि आर्टिफिशियल यार वो नहीं लगता कि यार ये फोटो एडिटिंग हुई पड़ी है। तो यहाँ पर आपको जो है
कट लगता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, तो इसी टाइप से आपको कट लगा देना होगा। जैसे कि देख सकते हो कि हमारे ये तो कुछ ज़्यादा ही कट हो गया यार, तो इस टाइप से ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, इस टाइप से आप कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको लगा देना होगा, तो आपको थोड़ा सा मैं जो इस कट को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कट हो गया यार, वो मोटा सा हो गया है थोड़ा बहुत, इसकी आप साइज डिक्रीज करके लगा लेते हैं। थोड़ा बहुत हम बेक चलते हैं, तो येलो यहाँ पर बैक आ जाऊँगा, और बैक आ जाने के बाद भी आपको इसको उसी पोजीशन पर सेट कर देना होगा जहाँ पर सेट हुई पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं इसको सही तरीके से सेट कर लेता हूँ। अभी आपको इस नीचे डॉट नज़र आ रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना होगा, देंगे जिसकी साइज़ है यहाँ पर आपको 5.8% तक रख देनी होगी। ये हो गई हमारी 5.5 भी, ठीक है। तो फिर कट वाला आइकन क्लियर बैक आ जाना होगा। अभी आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको लगा देना होगा। अभी जो है बहुत ही ज़्यादा एकदम खतरनाक सा कट लग गया, उस बार भी खतरनाक था, बट थिंक उस बार थोड़ा बहुत मोटा ज़्यादा हो गया था यार, ऐसे लग तो नहीं रहा था कि भाई ये कि फोटो एडिटिंग है, बट चीज के इतना यार मोटा भी नहीं होना चाहिए ना दोस्त, ऐसे नहीं करो। तो इस टाइप से आपको फुल एकदम अपने हेयर के एंड तक तो ना होगा, बट चीज के ज़्यादा हद तक लगा देना होगा, ताकि लगे कि हाँ यार एकदम कट सा लगा हुआ है और एंड तक लगा हुआ है। इस टाइप से आपको मुझे लगा देना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, बस इस इतना पार्ट पर आप यहाँ लगाओ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, ताकि लगे कि यार हाँ यहाँ पर भी थोड़ा सा लगा हुआ है कुछ इस टाइप से, जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एकदम लग रहा है। तो इतना कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आई ब्रूज पर भी इसके लगाने वाला हूँ। तो लगाने के लिए थोड़ी बहुत हम इसकी साइज़ पहले तो डिक्रीज कर लेंगे अपनी ये स्केल की, यहाँ से येलो। तो इस टाइप से साइज डिक्रीज करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर आपको आई ब्रूज पर कट वाला में, मतलब कि वो होता है ना भाई कट वाला एकदम साइन लगाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से। यहाँ पर पहले जो है मैं इसकी पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन एकदम बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से। थोड़ा बहुत हार्ड होने वाला है कम, बट दूसरी चीज के उतने ज्यादा मजेदार भी होने वाला है एक टाइप से। तो इतना आपको कर देने के बाद थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पर लगाने वाला हूँ एकदम खतरनाक तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है यहाँ पर आपको ऊपर से इस टाइप से यहाँ पर आपको इसको नीचे ले जाना होगा, ये लग गया कट। और इस टाइप से अपना दूसरे टाइप से भी आपको यहाँ पर कर देना होगा। तो ऑल राइट गाइस, यार अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने कट कर लिया हूँ, बट द थिंग इज इस बार से थोड़ा सा यानी कि कम नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस डॉट में क्लिक कर देना होगा, देंगे जिसकी साइज अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देनी होगी, यानी कि यहाँ पर मैं बस 6% तक रख देना हूँ, फिर कट में आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो अभी आपको इस टाइप से अगेन इसको कर देना होगा, बट द थिंग इज अभी जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा नजर आएगा, समझ रहे हो। तो इसी टाइप से अपोजिट साइड पर भी इसी टाइप से आपको लगा देना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो कि मैं यहाँ पर लगाने में यानी कि लगा ही पड़ा हूँ। तो इसी टाइप से अपोजिट साइड पर भी हम थोड़ा सा लॉन्ग कट मार देंगे, यानी कि लॉन्ग सा कट लगा देंगे, लॉन्ग कट नहीं, समझ रहे हो, लॉन्ग कट नहीं लॉन्ग सा कट, समझ रहे हो। तो इस टाइप से आपको लगा देना होगा। तो लगा देने के बाद अभी हमको थोड़ा सा बैक आ जाना होगा, तो मुझको देना 1 सेकंड में ऑपोजिट इसकी भाई इस साइड पर जो लग चुका है, बट इसके ऑपोजिट साइड पर लगाना भाई थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, तो मुझको देना 1 सेकंड में पूरा का पूरा इसको लगा लेता हूँ। तो चलो भाई यार कट तो भाई एकदम खतरनाक तरीके से लग चुका है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है यहाँ पर आपको जो है इस स्कॉल को यहाँ पर आपको कट कर देना होगा, समझ रहे हो, कट करने के बाद कट कर देना होगा। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इस ब्रशेस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइब्रेरी में आकर यहाँ पर स्मग में आपको स्मूथ वाला यानी कि सेकंड वाला लेयर, सेकंड लेयर में सेकंड वाला ब्रश को सिलेक्ट कर देना होगा। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में आ जाना होगा, सेटिंग की साइज अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर देनी होगी। फ्लो को 5, स्ट्रेंथ को 8% रख देना होगा, देन कट में क्लिक कर आपको बेक कर देना होगा। इस टाइप जूम इन कर ये जो आप एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको जो है कर देना होगा। डॉट में क्लिक करके इसकी हम साइज थोड़ी सी डिक्रीज कर लेते हैं, अराउंड 5 कर लेते हैं, क्योंकि यार कट पर लग जाएगा एकदम से, वो लग जाएगा यानी कि लगेगा कि हाँ यार यहाँ पर तो ये स्किन स्मूथ हुआ पड़ा है, ये कैसे दो। तो इस टाइप से हम जो है थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर ये जो ब्लैक सा आ रहा है ना, बस यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा एंड पॉइंट जो यहाँ पर जैसे ग्लासेस पर लग रही है, यहाँ पर से बस आपको कट करनी है, ऐसा कि नहीं भी पूरी कट कर दी, ऐसे नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर से बस। तो इतना करने के बाद अभी आपको यहाँ पर भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको एंड पॉइंट पर यहाँ पर मेन पॉइंट पर यहाँ पर आपको स्मूथ कर देनी होगी स्किन को, और नीचे आकर ये तो भाई फुली आपको यहाँ पर कर देना होगा, यानी कि फुल स्किन स्मूथ कर देनी होगी यहाँ पर, क्योंकि यार ये ऐसे कौन सा होता है यार ब्लैक सा। तो सिंपल यहाँ पर आपको बैक आ जाना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो भाई साहब यार फोटो तो लग रहा है एकदम खतरनाक गद्दर एडिटिंग यार। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है अभी हमारा इसका जो काम है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट जैसे कि क्लोथ इसका कलर में इसका चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने के लिए अभी आपको इसे लेयर वाले
आइकन में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। देन इस प्लस वाले आइकन में क्लिक कर एक शेप आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का क्रिएट कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको इस कलर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो एंड गेज क्लिक कर देने के बाद अभी आपको पूछने का सिंपल यहाँ पर आपको रेड कलर को सिंपल दे यहाँ पर आपको क्रिएट कर देना होगा। रेड जैसे कि आप देख सकते हो मैं क्रिएट कर लिया। फिर आपको कट वाले आइकन में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद अभी आपको पूछ नहीं करना, सिंपल जाने के ब्रशेस वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा और आर्टिस्ट है भाई ये आपको सिलेक्ट कर देना होगा। यानी कि आर्टिस्ट है स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो है हमारा आर्टिस्ट है ये फोर्थ वाला ब्रश आपको सिलेक्ट कर देना होगा। देन गेज कट वाला आइकन में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, अपने टी शर्ट पर कुछ स्टेप से यहाँ पर आपको कर देना होगा। ये तो भाई समझ नजर ही नहीं आ रहा। स्टेप से डॉट में क्लिक कर देना होगा और इसकी साइज हम थोड़ी सी डिक्रीज कर, यानी कि इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर 12%, ठीक है। तो स्टेप से आपको यहाँ पर अपने यानी कि टी शर्ट पर कर देना होगा। अब आप सोचते हैं भाई ये तो खतरनाक लग ही नहीं रहा पहले से ही, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इतना सा कर रहे हैं, ठीक है। तो कर देने के बाद अभी आपको पूछ नहीं करना, ऊपर इस लेयर वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा और इस रेड जो हमारा लगा हुआ है इसमें सिंपल क्लिक कर देना होगा। फिर आपको ब्लीडिंग में एक नॉर्मल करके आइकन देखने को मिल जाता है, सिंपल इसमें क्लिक करके लास्ट में आपको एक हो करके आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, इसको हो कर देना होगा। फिर आपको कट में क्लिक कर बैक आ जाना होगा। अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आपका लग रहा है यार, थोड़ी सी टी शर्ट एटलीस्ट लग रही है यार, एकदम खतरनाक हुई पड़ी है। इस टाइप से पूरा का पूरा कर देना होगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो ना वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा का पूरा मतलब कि शर्ट पर कर लेता हूं। और कलर आपको कोई और रखना है तो और भी रख सकते हो। तो मैं मुझको देना एक सेकंड में पूरा का पूरा इसका कलर चेंज कर मिलता हूं आपको। तो ऑल राइट गाइस, यार अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने कलर यहाँ पर चेंज कर लिया हूँ, ठीक है। तो अभी आपको ऊपर लेयर में क्लिक कर देना होगा, देन गाइस रेड कलर में सेलेक्ट कर देना होगा। फिर आपको मैंने आपको बताया था कि जो भी कलर चाहो अपने हिसाब से रख सकते हो, बटन की जगह कोई भी एक रैंडम कलर सेलेक्ट कर अभी आपको पूरा कर देना होगा, ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए भी आपको इस कलर बैलेंस में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको जो भी चाहो यहाँ पर आप कलर इसका चेंज कर सकते हो, यानी कि जो भी चाहो आप रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये रख रहा है, यानी कि ये लग रहा है, और यहाँ पर ये रेडी ठीक है यानी कि वाइट हो रहा है, इतना नहीं हो रहा बेटर थिंग इसके। आपको डन में क्लिक कर देना होगा। तभी आप देख सकते हो आपका पूरा का पूरा इमेज यहाँ पर एडिट होने को आ गया है। बेटर थिंग इसका रियल काम स्नैपसीड ऐप में होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस इमेज को आपको इम्पोर्ट कर देना होगा अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के यानी कि स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो अभी आपको इस फोर्थ नंबर पर क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शेयर में क्लिक कर देना होगा। तो शेयर में अदर में क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, स्नैपसीड में आपको इसको ओपन कर देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर ये ऐप लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर मैं अपने स्नैपसीड ऐप में यहाँ पर आपको ओपन कर यहीं पर दिखा लेता हूँ। यार अभी आप देख सकते हो मैंने इस अपने फोटो को अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आपको इस ट्यून इमेज में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। फिर इस टाइप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे और कॉन्स्टेंट पर आ जा रहा होगा, कॉन्स्टेंट को जितनी सी यहाँ पर बढ़ा देने की, सेचुरेशन को थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देना होगा। नीचे अगर इसके एम्बिएंट को थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है इंक्रीज कर देना होगा, ठीक है। फिर इसकी हाईलाइट्स को थोड़ा सा यहाँ पर आपको अराउंड इतना सा इंक्रीज कर देना होगा। तो करने के बाद इसकी शेडोज को थोड़ा सा डिक्रीज करके सिंपल राइट में आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलो भाई सर इतना काम कर देने के बाद अभी आपको उस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे इस ब्रश वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर यहाँ पर सेचुरेशन वाले ब्रश को सिलेक्ट करके इस तरह से जूम इन करके अपने लिप्स पर इस पर आपको कलर कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जो है इस पर कर रहा हूँ। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी सेचुरेशन वाला ब्रश सिलेक्ट करके इतना सा कलर आपको कर देना होगा। देंगे जिन पर यहाँ पर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इतना काम करने के बाद अगेन इस पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। देंगे सिलेक्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। फिर आपको इस तरह से जूम इन करके अपने फेस पर लगा देना होगा इसको। फिर इसकी साइज डिक्रीज करके ब्राइटनेस को इस टाइप से इंक्रीज कर देना होगा। नीचे अगर इसकी जो सेचुरेशन आप देख पा रहे हो और सेचुरेशन को कुछ इतना सा यहाँ पर आपको जो है यानी कि डिक्रीज कर देना होगा अराउंड -20% तक। तो इस टाइप से यहाँ पर गर्दन पर भी इसके यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से लगा देना होगा। जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हो इतना नहीं लगाना, बट देखें इसके बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं लगाना। इस टाइप से पूरा का पूरे अपने फेस पर यहाँ पर आपको इसको लगा देना होगा, मतलब पूरी की पूरी बॉडी पर लगा देना होगा। तो मैं जैसे ना एक सेकंड में पूरा का पूरा लगा लेता हूँ इसको। चलो गाइस यार मैं पूरा का पूरा इसकी स्किन पर लगा लिया हूँ। फिर आपको मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर गर्दन पर रहा, मतलब कि थोड़ा रह गया, तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ यार थोड़ा सा एकदम खतरनाक तरीके से। यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए यार कि किस टाइप से आप इसको रिटच करना चाहते हो, यानी कि इस टाइप से साइज डिक्रीज करी और ये इतनी सी साइज यहाँ पर डिक्रीज कर ली मैंने लाइट में, मतलब इसकी ब्राइटनेस आपको वहाँ पर इंक्रीज कर देने की। तो इस टाइप से फुल अपना आप फोटो को जूम इन कर भी यानी कि इसके रिटच करना चाहते हो। और मुझको मतलब कि मैंने इस टाइप से वीडियो यहाँ पर रोका है क्योंकि यार जिसने भी लाइक नहीं किया यार को लाइक यार,
तो इतना काम कर देने के बाद अभी आपको पूछेंगे ना अगेन पेंसिल वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इनकी पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करने के बाद अभी आपको डिटेल्स वाले आइकन में सिंपल क्लिक कर देना होगा। फिर नीचे अगर इसकी जो आप शार्पनिंग देख पा रहे हो इसको यहाँ पर आपको कुछ इतना सा इंक्रीज कर देना होगा। फिर सिंपल राइट में आपको जो है क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद अभी आप देख सकते हो आपका फोटो यहाँ पर पूरा का पूरा एडिट हो चुका है। और भाई साहब यार रिजल्ट देख पा रहे भाई, फोटो पिछले वाला यार देखो और ये वाला फोटो लिखो। तो आई होप आपको ये वाली एडिटिंग यार होप क्या यार पूरी एडिटिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आपने अभी तक वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं, बाय बाय।